हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, अभी हमने स्कूटी निकाली है, अभी हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त के यहाँ। दिल्ली में जैसा कि फ्लड आ रखी है, आप लोगों को पता है, तो मैं जा रहा हूँ आदर्श नगर की तरफ तक, और वहाँ भी थोड़ा फ्लड आ रखी है। और देखते हैं हमें किस तरह की परेशानियाँ आती है, हमें रास्ते कहाँ बंद मिलते हैं, कहाँ खुले मिलते हैं, या क्या ट्रैफिक मिलता है। वैसे किसी काम से जाना पड़ रहा है तो वहीं चलते हैं और उससे मिलते भी हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स जो वहाँ पहुँचने में आएगी वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करी जाएगी कि भाई, जैसे कि आप लोगों न्यूज़ में देख रहे हैं, सारे रास्ते बंद कर रखे हैं उन जगहों का, ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो देखते हैं कितने रास्ते बंद हैं और कितने रास्ते खुले हैं, और क्या अवेलेबल है और क्या नहीं अवेलेबल है। क्योंकि ये व्लॉग मैंने आज घर के पास से ही शुरू कर लिया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद पहली बार मैंने घर के पास से व्लॉग शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जा रहा हूँ तो मुझे ये व्लॉगिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देखना चाहते हैं कि फ्लड वाले एरियाज़ का क्या हालात है। फ़ोन पे बात हुई थी तो पता चला वहाँ पानी वानी तो नहीं आ रहा, क्योंकि उनका वाटर प्लांट तो बिल्कुल बंद है, तो पीने का पानी नहीं है उनके पास। तो बट उससे डिस्कस करना भूल गया कि मैं पानी लेता हूँ कुछ पीने का, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, पहले पहुँचे तो सही, वहाँ देखे तो सही क्या प्रॉब्लम है, यदि कुछ सॉर्ट आउट होगा या कुछ हमारे को रास्ता दिखेगा तो पानी लेकर पहुँच जाएंगे। कौन सा ज़्यादा दूर है, 7-8 किलोमीटर ही तो है, 7-8 किलोमीटर तो हमारे लिए वैसी ऐसी घूमते हुए पहुँच जाने की जगह है या नहीं। तो देखते हैं गाइस कैसा रहता है, क्या आता है, क्या नहीं होता। नहीं, मेट्रो स्टेशन उनके घर के थोड़ा पास है आदर्श नगर का, तो वो तो चल रहा है, वो बंद नहीं है। रास्ता देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सबसे पहली बात ये रोड रेज का दूसरा कारण होता है, पहला कारण अकड़ होती है, सिर्फ अकड़। और अगर आप रुक सकते हैं, रुक जाइए यार, एक आध मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है यार, बस यही बात है, एक आध मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी हो किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दो मिनट में कोई नहीं असर होता। और कितने सेकंड का गैप आता है, कहीं कहीं तो 5 सेकंड का भी गैप नहीं होता कभी कभी। तो किसी को निकल जाने देना कोई गलत नहीं है, आप छोटे नहीं हो जाएंगे, घमंड में वो नहीं हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पहले तो हम चलेंगे बाया टू व्हीलर ही जाएंगे, यदि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या ज़्यादा दिक्कत आएगी तो हम टू व्हीलर साइड लगा करके फिर चलेंगे, ठीक है ना। तो ताकि पैदल चलना पड़ेगा हमें, तो पैदल चल देंगे। बाकी लेट्स सी, काफ़ी हद तक पानी उतर गया है अब तो, नाले थोड़ा करीब एक सवा फुट नीचे हुए हैं। यहाँ से क्यों निकल रही है फायर ब्रिगेड, ओहो अच्छा, मुझे लग रहा है यहाँ पानी भरने आई थी क्या भाई। पानी तो यहाँ आज ज़्यादा दिख रहा है मुझे, आपके कैमरे में नहीं आ पाया होगा भाई साहब, सॉरी, बुरा मत मानिएगा, आंखें नहीं है, ये कैमरा ही है। तो ये 3.5 mm है और मेरी आंखें जो है 40 mm तक चली जा सकती हैं, तो मैंने 40 mm तक अपनी आंखें कर के देख लिया। अरे भाई, आज सबके चक्कर में हमने भी बत्ती प्रोग्रेस कर ली, मुझे लगा ग्रीन हो गई है, सारे निकल रहे, मैं भी निकल गया। अरे यार, ये तो बहुत जुल्म वाली बात है, गलत बात है यार, सुनिए नहीं, आप लोग भी ऐसा मत, मुझे ऐसा लगा सारे निकल रहे हैं, जब मैं चल पड़ा तो देखा कि बत्ती तो लाल ही थी, ये लोग तो लाल में ही निकल गए, सबको देख के मैं भी निकल लिया यार, गलत बात है यार, मुझे रुकना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, सब सेफ है, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग मज़े से चल रहे हैं अपनी स्कूटी पे भाई, ये है रोहिणी सेक्टर 18, इधर राइट मुड़ते ही हमें मेट्रो स्टेशन मिलेगा, लेफ्ट मुड़ते ही हम बादली मोड़ को पहुंच जाएंगे।
तो हम अभी जाना है बादली मोड़ पर। हमारी ग्रीन है तब भी भागने का इतनी जल्दी पड़ी हुई है, लोगों को पता नहीं क्या मिलता है भाई, ऐसे भाग करके क्या देर मिल जाएगा यार, रुक जाओ दो सेकंड के लिए यार, घर में बच्चे इंतज़ार करते हैं सब है। कॉम्पैक्ट 4S 4-स्ट्रोक, गार्डन में टहलने निकले हैं बाबू जी। नोटिस किया भी आप लोगों ने, गाय के मुंह में, बैक करके देखिए थोड़ा सा, गाय के मुंह में थैली की थैली चबा रही थी शायद वो, है ना। ओ माय गॉड, कैमरे इतने हर जगह लग गए हैं, जैसे कैमरे ना हो गए पता नहीं क्या मिलता है इन्हें, तब भी चोरियां इतनी होती है वाहनों की और पता नहीं क्या मिलता है। सही बात है, ये पहुंच गए हम भाई रोहिणी जेल, और रोहिणी जेल से हम निकलते हुए जा रहे हैं। वाह छोटे बच्चों, कहाँ गायब हो रखे हो तुम है? तो गाइस भाई को क्या चढ़ी अचानक, अच्छा वाला नॉर्मल चलते चलते। अब हमारी मुश्किल बढ़ने वाला रास्ता आ गया है, बस अब जो बढ़ेगा इस रास्ते के ख़त्म होने के पश्चात ही बढ़ेगा, तो देखते हैं क्या है सीन यहाँ पर, क्योंकि सुनने में यही है कि बाईपास से रास्ता बंद है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा, तो देखते हैं लेट्स सी। तो भाई यहाँ पर ट्रैफिक जाम मिल गया है हमें, पहली मुसीबत की घड़ी आ गई है, पहली मुश्किल घड़ी आ गई है। ये क्या भाई, एक उल्टी क्यों खड़ी है ये? अच्छा ये बसें उल्टी आ रही हैं इस वजह से ट्रैफिक है थोड़ा सा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा हमारा काम। यहाँ से ही उल्टे, अच्छा ये पूरी की पूरी बस यहाँ खड़ी कर दी गई है। ओके जिनको वापस जाना है वापस जाओ, जिनको नहीं जाना नहीं जाओ। अरे हमार देखते हैं हमाम दस्ते, तो भाई यहाँ पर बस हो रही है बैक, इसको उल्टा जाना है। अच्छा टू व्हीलर के लिए खोल दिया गया है रास्ता, लेकिन चलो भाई ये एक गुड न्यूज़ है, टू व्हीलर के लिए रास्ता खोल दिया गया है, फोर व्हीलर के लिए रास्ता बंद है। अच्छा लेकिन ये तो करनाल वाला रास्ता आ गया ना, हमें तो ये जाना ही नहीं है ना, हमें इस रास्ते पे तो जाना ही नहीं था ना, हमें तो वहीं की तरफ ही जाना, हम तो टू व्हीलर वाले ना, हम तो निकल जाएंगे ना, हम तो इस तरफ को जाना है। ठीक है हम तो चलते हैं, ये तो करनाल जाने वाला रास्ता था, मैं भी गलती खा रहा था, हमें तो आगे से मुड़ना है। देखिए गाइस ये लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है, भारी समस्या है यहाँ पर।
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। देखिए ये ऑटो वाले यहाँ किसी तरीके से पहुँच गए, उसके बाद इन्होंने अपना ऑटो जमा दिया। अच्छा यहाँ से भी आगे, यहाँ भी रास्ता बंद कर दिया गया है। ओके ये खोल दिया गया है, खोला जा रहा है धीरे 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 धीरे। गुड, थोड़ा सा गुड साइन दिख रहे हैं ये। और देखिए आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ, ये रहा नाला हमारे नीचे। ये देखिए अब शायद आप लोगों को दिखाई देगा, ये देखिए ये कल तक वो वहाँ तक वो ऊपर की तरफ तक पानी था। देखिए वो सारा भरा पड़ा है पानी, जहाँ से निकल नहीं सकता वहाँ से पानी पहुँच गया, वापस नहीं जा सका। ये अब काफ़ी डाउन हो गया है पहले से, ये इतना होता था डाउन कि यहाँ से दिखता नहीं था। ये देखिए बिल्कुल जस्ट मेरे नीचे देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देखिए भाई साहब यहाँ तक बच्चे खेल रहे होते थे जी, यहाँ कुछ नहीं होता था। ये सारा देख रहे हो आप, ये सारा भरा पड़ा है यहाँ पर। चलिए गाइस चलते हैं यहाँ से, ये पूरी बाढ़ आई थी यहाँ जहाँ, अब थोड़ा सा राहत है यहाँ पर। देखिए ये काफ़ी ऊपर तक आ गया था, ये देखिए काले काले निशान आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, ये काफ़ी ऊपर तक था ये अब नीचे हो गया। देखिए उस पाइप पे कूड़ा दिखाई दे रहा है जहाँ तक आपको, ये देखो वो जीने पे, देखो जीने पे सारा कूड़ा ऊपर तक दिखाई दे रहा है वो जीने पे। देखिए वो मैं यहाँ थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, वहाँ तक आपको दिख रहा था, देख रहे हैं आप। ओहो चलिए यहाँ पर तो बड़ा बुरा हालात हो गया था, सारे सीवर बैक मार गए थे, तो मतलब सीवरेज लाइन पानी लेने की जगह वापसी डाल रही थी। बाकी देखते हैं अभी यहाँ से, यहाँ ट्रैफिक हमें फिर मिल गया है, यहाँ भी ऐसा कुछ होगा, रॉन्ग साइड चल रहे होंगे या कुछ नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। बाकी देखते हैं, ट्रैफिक अच्छा खासा लग रहा है हमें यहाँ पर। ट्रैफिक है, बाकी अभी देखते हैं, लेट्स सी। जहाँ तक उम्मीद है पानी काफ़ी हद तक नीचे हो गया है, लेकिन हाँ ऐसी जगहों पे पानी अभी तक नहीं आ रहा, तो लेट्स सी देखते हैं क्या मौसम, क्या माहौल मिलता है हमें यहाँ पर, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा नॉर्मल ही दिख रहा है। कल तक तो सुन रहे थे कि इस रोड पर भी पानी था, आज यहाँ खोल दिया तो इसका मतलब ये पानी उतर गया है, तभी ये रास्ता खोला गया है या नहीं। हाँ जी बाकी इस रोड पे ऐसे निशान दिख नहीं रहे कि यहाँ पानी था, पानी होता तो यहाँ दिखता ज़रूर। वैसे भी थोड़ा ऊपर बनाई जाती है ये चीज़ें, तो इसलिए शायद ही यहाँ हो सकता है, अफवाहें भी तो बहुत होती है। देखो ये तो बारिश के निशान है कि बारिश आई थी उसके निशान है, यहाँ मुझे नहीं लगता इस रोड पे पानी आया था। हाँ ये तो बारिश की वजह से है, बारिश तो देखो हो ही रही है दिल्ली में, नो डाउट। भाई साहब हम तो चूक जाते हैं व्लॉगिंग के चक्कर में, ब्रेक में। अरे भाई साहब इसुजू वाले को क्या सूझ गई, चलो भाई चलो 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 चलो, टोयोटा आइडियाज लेके निकला चिड़ियों। खाली लग रही है सड़कें तो भाई, कोई दिक्कत नहीं लग रही अभी तक तो। लाल बत्ती भी नहीं है यहाँ तो, बंद कर रखी है, मुझे लग रहा है यहाँ पानी था अंदर भाई, तभी यहाँ लाल बत्ती जो है वो बंद कर दी है। और ट्रैफिक अब मिला है हमें, ये भी मुझे लग रहा है बैरिकेटिंग की वजह से ही होगा सिर्फ। यहाँ भी बारिश का ही पानी लग रहा है, ये पानी मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर आया है कहीं, ये रोड तो बंद हुआ ही नहीं मुझे लग रहा है।
हाँ, ये जहांगीरपुरी है गाइस, यहाँ के बारे में भी यही था कि ई ब्लॉक तक तो करीब एक एक मीटर ऊपर पानी आ गया था, डबल ई ब्लॉक तक, और फिर ई ब्लॉक में भी था कुछ पानी सिस्टम वगैरह सुनने में आया था। तो इस तरीके से सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन बाहर रोड पे कुछ नहीं है, अंदर बी ब्लॉक तक पानी सुनने में आ रहा था। लेकिन बी ब्लॉक में मेरे एक पुराने दोस्त की दुकान थी और वो तो छुट्टी करके बैठा था, लेकिन उसने अपनी दुकान के बाहर का कैमरा से तुरंत फ़ोटो खींच कर मुझे भेज दिया कि भाई मेरी दुकान के आगे तक पानी नहीं है। तो इसीलिए हमें भी लग रहा है यहाँ तक पानी नहीं है। ये तो बारिश का जमा हुआ है, हल्का होता है ये तो। वो कीचड़ ही अलग होता है भाई साहब, यहाँ के निशान ही बदल गए होते हैं वो, सारा कीचड़ ही अलग होता है वो। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसा है माहौल, कैसा है मंजर। बाकी उसके यहाँ पर पानी तो उतर चुका है, लेकिन अभी और समस्याएं बहुत हो रही हैं। अभी देखते हैं, लेट्स सी वहाँ तक पहुँचने में हमें कोई दिक्कत आती है या नहीं आती है। ट्रैफिक तो उस अनुसार नहीं मिल रहा जितना हमने सोचा था, जितना हमने सोचा था उस अनुसार ट्रैफिक नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। जितना हम सोच रहे थे उस हिसाब से तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। सही बात है, उस हिसाब से तो नहीं है। चलिए, सबसे पॉपुलर बस स्टैंड था किसी ज़माने में, 100 नंबर के नाम से जाना जाता था। 100 नंबर बस यहाँ से बनकर चलती थी, क्योंकि आदर्श नगर नाम है इस जगह का। बाढ़ के नाम पे हमसे धोखा किया गया, और गाइस हमें सिर्फ इतना सा पानी मिला यहाँ पर। थोड़ा सा और मिल गया हमें, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है ये। भाई जो मर्जी कह ले, कोई कितना भी कुछ कह ले, लेकिन देखिए यहाँ तक कुछ नहीं था, मेन रोड तक कुछ नहीं है, ये सब बारिश का पानी है जी बस, और कुछ नहीं है। नहीं जी, यहाँ भी साफ पड़ा है जी। हम थोड़ा पीछे तक चलेंगे यार, और लो, आदर्श नगर में ही काम था, हम पीछे मजलिस पार्क है वहाँ तक जाएंगे। चलिए, चलिए थोड़ा पीछे तक चलते हैं। नहीं, यहाँ कुछ नहीं लग रहा भाई, यहाँ पानी है नहीं, यह तो सब साफ है, ऐसी खाम खाम है। हाँ, लेकिन पानी इनका कटा हुआ है, पानी क्यों कटा हुआ है ये नहीं पता भाई। पानी शायद इनका वो होगा, वजीराबाद वाटर बॉक्स होगा, इसीलिए इनका पानी कटा होगा। हाँ भाई, यहाँ तक कोई पानी नहीं है, बारिश हो गई, कीचड़ है सिर्फ, कोई सीवरेज ब्लैक वो नहीं है। यहाँ आदर्श नगर बिल्कुल एंड तक आ गए, पानी कटने का सिर्फ एक ही कारण है, यहाँ वजीराबाद बांध है से पानी आता है, जो कि बिल्कुल बंद कर रखा है क्योंकि वो डूब गया है जमुना जी की फ्लड में। तो यहाँ तक कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल खाली है एकदम, हम बिल्कुल आ गए पीछे तक। चलिए गाइस,
थोड़ा सा पीछे हो रहा है, क्या हाईवे दिखाई दे रहा है पीछे वाला, वहाँ तक चलते हैं। ये रहा बिल्कुल एंड भी आ गया, ये लीजिए भाई पीछे का हाईवे आ गया। यहाँ तक कुछ भी नहीं पहुँचा भाई, कोई पानी नहीं है, कोई सीवरेज बैक नहीं है, कुछ नहीं है। तो गाइस ये वाला व्लॉग में हम आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाए जो हमें दिखानी थी। अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा हम उसमें और आगे तक जाएंगे। ये रहा पीछे का बांध, ठीक है जी। चलिए गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं अंत, और आशा करते हैं आपको ये व्लॉग में मज़ा आया होगा। और अब हम यहाँ से बाइक चल रहे हैं, पहले अपना काम कर लेते हैं, फिर आप लोगों को हम बुराड़ी की तरफ को लेकर चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ का क्या माहौल है, क्या मंजर है और वहाँ कैसे हैं लोग इस समय। चलिए बाय बाय।